गुड मॉर्निंग फ्रॉम वुड विलेज। सांसें फूल रही है मेरी। सभी 9:30 हो गया है और जैसे ही हम लोग रूम मतलब नींद से उठे, कर्टन हटा, सामने ये नज़ारा। आज कितना टाइम प्रसाद हम लोगों को? 2 घंटा ना, 2-2.5 घंटा। कॉमिक हाईएस्ट रेस्टोरेंट नहीं, कॉमिक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हिकिम में ना? नहीं नहीं, वो तो इसमें है ना, काजा होते हुए जाएंगे। हिकिम में है ना पोस्ट ऑफिस? हिकिम में पोस्ट ऑफिस है। हिकिम में पोस्ट ऑफिस। कॉमिक इज द हाईएस्ट विलेज। हां, कॉमिक इज द हाईएस्ट विलेज। हाईएस्ट विलेज। और पेट्रोल पंप भी हिकिम में ही है ना, या काजा में है? काजा सिटी में है। हाईएस्ट काजा में ही फिल करवाना पड़ेगा। हाईएस्ट पेट्रोल पंप से हम लोग डीजल भी भरेंगे। जो ले जेपी मजे का। जेपी क्या? हाँ? कौन कौन कहाँ है? हाँ? ये क्या है? इसमें फोटो आ रहा है तुम्हारा। फोटो तो हाँ, तुमको फोटो देखा है? तुम्हारा फोटो देखना है? हाँ रुको, ये देखो। अरे रुको, तुम्हारा फोटो दिखाते हैं हम तुमको। चाबी मिला फिर? हाँ मिला। इसके जैकेट में तकल रात को शायद ज्यादा हो गई हम दोनों को। इसके फैंटी नहीं, चेतना के जैकेट में। हाँ है कुछ चीज। क्या है वो, क्या खा रही हो? इसका गाल देखना कैसा, एकदम ओली ओली एप्पल जैसा। एप्पल जैसा लाल। ये मुझे नहीं चबाना, इतना शेयरिंग नहीं चाहिए। इतना शेयरिंग कैरिंग नहीं चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं लगेज ऊपर से नीचे लाने। अपनी कार यहीं पे खड़ी है। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह है टेलिंग बोल के, टेलिंग विलेज। इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज और यहाँ पे वुडन ब्रिज है। टेलिंग एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव है जिसका पॉपुलेशन है 200। और ये जो वुडन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज उस गांव तक लेके जाता है। इस ब्रिज के उस पार है टेलिंग गांव और हम सब ने इस ब्रिज के ऊपर खड़े होके फ़ोटो लिए। चारों तरफ बहुत ही नज़ारा अच्छा था, तेज़ हवा चल रही थी, नीचे से तेज़ी से पानी का फ्लो बह रहा था और हमने नेचर के इतने क्लोज जाने के बाद हमको इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि उस चीज़ का हम शब्दों से आप लोगों को बयान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये सारे चीज़ों का झलक हम कैमरे में ज़रूर कैप्चर किया है आप तक पहुंचाने के लिए। सो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग एक्सप्लोर अगर करना चाहेंगे तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। हम लोग अभी डायरेक्टली काजा जा रहे हैं क्योंकि फ्यूल, थार की भी फ्यूल कम हो गई है और बाइक में भी पेट्रोल कम हो गया। सो पहले हम लोग काजा चलेंगे, वहाँ पे पेट्रोल पंप है तो फ्यूलिंग करवाएंगे। रिफिल करने के बाद सामान रख के फिर हम लोग वापस आएंगे हमारे पॉइंट्स हिकिम, कॉमिक और लांगजा।
अभी पहुंच जाएंगे 20 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रोड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इधर के व्यू भी मस्त है ना, ये वाला। इंडियन गैस सर्विसेज। हम लोग अभी है वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप में काजा, जो कि काजा में है। और हम लोग यहाँ से फ्यूलिंग करवा रहे हैं। सारे गाड़ियों की फ्यूलिंग हो चुकी है, नहीं सारे गाड़ियों की नहीं, सब लाइन पे लगी है, थर्ड लाइन पे लगी है। और हमारा गाड़ी वहाँ पे है और ये प्रसाद का कार है। 92.31 डीजल पर लीटर एट काजा। तो हम लोगों ने फ्यूल रिफिलिंग करवा लिया है। सो काजा में ये हाईएस्ट पेट्रोल पंप, ये लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर आप काजा से आगे जाते हो चंद्रताल, इसके बाद डायरेक्ट मनाली में मिलेगा। अगर फ्यूलिंग करना है तो यहीं से आप लोगों को करना पड़ेगा, आगे चल के कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। सबसे पहले लांगजा, फिर कॉमिक, उसके बाद हिकिम, उसके बाद वापस, हाँ उसके बाद काजा। काजा में अपना स्टे है आज, दो दिन का स्टे रहेगा काजा में। बहुत खूबसूरत जगह है काजा। यहाँ पे रोड काफी स्टिप है, चढ़ जाएगी ना, चढ़ने का ना, सीधा निकलो। हो गया, चलो। अभी जतिन बाइक लेके आ रहा है और पीछे पीछे बैठ गया है रोहित। ये
सो लांगजा से अभी हम लोग जा रहे हैं हिकिम, और लांगजा में जो मोनेस्ट्री था जो देखा बुद्धा गौतम बुद्धा जी की स्टैचू वो 35 feet टॉल है, लेकिन जगह बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सा है वहाँ पे टेरन, थोड़ा स्टिप है। अभी हम लोग जा रहे हैं हिकिम जहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, सो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद हिकिम के बाद हम लोग जाने वाले हैं कॉमिक। आज तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई, मज़ा आ गया। लांगजा से ड्राइवर एक्सचेंज हो गया है, अभी रोहित ड्राइव कर रहा है और सामने बैठा है हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर। ठंड हवा आ रहा है। हाँ हवा बहुत ठंडी आ रही है। हाँ मैं भी खिड़की खोल दूँ, वो धूल मिट्टी की वजह से मैंने। अच्छा धूप बहुत तेज़ है ना, एकदम स्किन जल रही है। कुछ नहीं लग रहा धूप। हाँ ठंडा हवा आ रहा है ना तो कुछ नहीं लग रहा। ये भी टेरन कॉमिक में ठीक है, हाईएस्ट विलेज है ना, हाईएस्ट विलेज की हाईएस्ट रेस्टोरेंट। हाँ हाँ खा के हाई हो जाएंगे आज, खाए का। चलो पोस्ट करते हैं फिर चिट्ठी। चलो चलो चिट्ठी पोस्ट करनी है किस किस को। देखो कौन सा पोस्ट कार्ड, ये है बंगाल में जाएगी ना। वहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ दिखाइए, यहाँ खुले में, यहाँ खुले में आओ। देखो क्यों ये वेस्ट बंगाल में कितने दिन तक जाएगा? 10-12 दिन में पहुंच जाएगा। 10-12 दिन में पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट से करे तो भैया सुन ना, स्पीड पोस्ट से करे तो जाएगा जल्दी। क्यों अट्टा बड़ी थी? और अगर हमें भेजना है तो हमारा खुद का कुछ भेजना है तो कुछ सामान भेजना है, सामान भेजना है तो सामान ये वाला लेते हैं। सामान भेजना तो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस का अदर अदर पड़ा। हां दो अदर अदर एडा डिफरेंस सीजन में डिफरेंस यू वांट्स शी। ये 20 का है और ये 30 का है। ये कितने का है? ओके ये वाला 20 का। तो एक हम, एक मैं अपने घर में भेजूंगी और एक वीडियोग्राफर ये मेरे घर पे, खुद के घर पे भेजेगा मॉम डैड। हाँ और मैं मम्मी को भेजूंगी क्योंकि ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है यार। मेरी मम्मी पोस्ट ऑफिस की हिस्सा थी, पोस्ट ऑफिस, शी यूज टू बी अ पार्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस। जीपीओ नहीं, जीपीओ इज डिफरेंट, पोस्ट ऑफिस ओनली। हाँ तो पोस्ट ऑफिस में वो सर्विस करती थी जब पोस्ट ऑफिस में थी, तो मैं यहाँ से मेरी मम्मी को भेजने वाली हूँ। ये अपना फ्रैंकी कुछ लिख रहा है, रूफीना भी लिख रही है, सब लिख रहे हैं। क्यों मेरा तुम इससे मेरा नहीं तुम रिसीव। फ्रैंकी ने अपने फियांसे फियांसे को लिखा, और प्रसाद किसको लिखने वाला? मैं मॉम डैड को। तुम किसको लिखा? गोइंग टू कोलकाता टू माय बेस्ट फ्रेंड। ओ मतलब दो कोलकाता में जा रही है और एक हावड़ा में जा रही है। गोइंग टू माय अनदर बेस्ट फ्रेंड इन केरला। और वहां पे संजय लिख रहा है मैसेज अपने अपने घर में, मैंने अपना हो गया, मैंने डाल लिया, ये मैंने लिख लिया मेरी मम्मी को। रोहित तो किसको भेज रहा है? किसको भेजेगा प्रसाद? खरीदना है मुझे, मैंने किचन लिए दो, मैंने ये दो लिया। तो किसको भेजा लिया है? मैंने रीटा को एड्रेस याद नहीं, पिन कोड याद नहीं। किसका उसका नहीं नहीं 80 रुपये। हाँ सर वो ओके लगा के शाम को पता चला जाएगा ना, बस मोड़ लगा के हम शाम को बोलेंगे लोगों को भी पड़ा है। ठीक है वो पोस्ट का पोस्ट स्टैंप आप देख के लगाएगा ना, वो एड्रेस के हिसाब से। हाँ 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 सो गाइज अभी हम लोग हैं वर्ल्ड्स के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिकिम में, और यहाँ पे आप देख रहे हो पोस्ट ऑफिस का बोर्ड है। एंड फॉर मी इट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि पोस्ट ऑफिस के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है। मेरी मम्मी जो है, माय मॉम, मेरी मम्मी पोस्ट ऑफिस में थी, अभी शी इज़ रिटायर्ड नाउ। सो बहुत
बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। तो मैंने मम्मी को यहाँ पे यहाँ से चिट्ठी लिखा और संजय ने अपने फैमिली में फैमिली को यहाँ से चिट्ठी लिखा, हम दोनों ने अपने अपने फैमिली को चिट्ठी लिखा यहाँ से। सो यस जो पिंक वैसे ही चलता धीरे धीरे हाथ पकड़ता हूँ। अरे चढ़ पाऊंगी क्या मैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, बस नीचे बस जूतों की तरफ देखो, अपने जूते की तरफ देखो, नीचे मत देखो, बॉडी वेट पीछे रखो, साइडवेज उतरना, ऐसा ऐसा, हाँ राइट बराबर, हाँ सही सही सही, करेक्ट परफेक्ट, सौरभ लेफ्ट ले, थोड़ा थोड़ा इधर आना, हाँ वहाँ से जा, इधर से आओ, इधर से आओ, उधर से नहीं, इधर से अंदर वापस ना, थोड़ा सा थोड़ा सा ये। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 14,567 feet एंड 4,440 meters वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस 14,000 दिस इज द मेन पोस्ट ऑफिस। हाँ और पिन कोड भी देख लो 172114। चलो हिकिम पांच फिश हिकिम, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सो गाइस अभी हम लोग हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कॉमिक में और यहाँ पे हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी है। तो ये साइड में मेरे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, दिस इज़ द बोर्ड, और राइट साइड से जाएंगे तो ये साइड में रेस्टोरेंट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा ऑप्शंस भी है, देखो ऑर्गेनिक इंडियन ऑर्गेनिक भी है और इंडियन चाइनीज लोकल, हम लोग तो लोकल खाएंगे ना या चाइनीज। यस वी आर गोइंग टू विजिट एंड आई थिंक दिस इज़ द मॉनेस्ट्री। हाँ हिकिम से 3 किलोमीटर, सबसे पहले हम लोग गए लांगजा, उसके बाद हिकिम और उसके बाद कॉमिक। सो एक्चुअली ये पहले अपने को करना था, पहले कॉमिक फिर हिकिम फिर लांगजा देन काजा, क्योंकि डीजल हमारा ख़त्म हो गया था तो एकदम वो अटक जाती, तो इसलिए थोड़ा सा प्लान उल्टा हो गया, बट कवर सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। ये मॉनेस्ट्री के सामने है, चलो मॉनेस्ट्री अंदर प्रेयर्स फील। बहुत पीसफुल है ना, मतलब हमारे जैसे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता, वो सिर्फ वो ये होता है खंजनी, जो लोग पूजा करते हैं मोनेस्ट्री के चारों तरफ रूम्स हैं ऊपर और नीचे, जो लोग पूजा करते हैं यहाँ पे मॉन्क्स शायद वो लोग यहाँ पे रहते हैं, ऊपर नीचे बहुत सारे रूम्स हैं और नंबरिंग भी किया हुआ है कौन सा रूम है। तो गाइस आज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स थे देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और आज मैक्सिमम ऑफ रोडिंग हमने एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप लोग को ऑफ रोडिंग करना पसंद है और आप लोग ऐसे टेरन पे अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये सारी जगहों को विज़िट करें। और आज अभी हम लोग जा रहे हैं काजा, काजा में हमारी एक होम स्टे में बुकिंग है, हम लोग आज चेक इन करेंगे वहाँ पे और कल हमारा स्टे होगा काजा में ही।
सो काजा की खूबसूरती और वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, कैसे है काजा, वो सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग तक वेट करना पड़ेगा। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और स्पीति सीरीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर एंड कीप वॉचिंग ट्रैवलिंग बॉन्ग्स।